जबलपुर में पहला शिविर कब लगा था? 2006 में। अजय बिश्नोई साहब, तुमसे बहुत प्रेम था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम तो किसी से प्रेम तोड़ते नहीं, बल्कि हम तो कोई रूट राट भी जाए उनको भी मनाते रहते। इनएक्शन, रिएक्शन एंड रॉन्ग एक्शन, ये 99% लोगों की जिंदगी के केंद्र में मिलेगा। या तो कुछ नहीं करेंगे, करेंगे तो उल्टा पुल्टा करेंगे, और आपस में पति पत्नी, मां बेटा, गुरु चेला, सब गुत्थम गुत्था रहते हैं। होशपूर्ण जीवन, जीवन का सम्यक बोध बहुत कम लोगों को रह पाता है। हमारी कोशिश है कि सब लोग जागृत हों, प्रकाशित हों, इसके लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। 2006 में भी जबलपुर में इतिहास बना, इतना जबरदस्त शिविर, और हमारे गोमास्ता जी, ये उसके प्राण थे हमारे, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे। ऐसे बहुत बिजी डॉक्टर हैं, लेकिन और जो उसमें उन्होंने रिसर्च भी किया है बहुत जबरदस्त, ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर, कि आप यदि 40 दिन भी योगाभ्यास करते हैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को बैलेंस करने के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है। जो भी ये जो टेम्परेरी जो कैल्शियम आदि की गोलियां देते हैं उससे आपको तात्कालिक रूप से थोड़ा बहुत लाभ दिख सकता है, लेकिन खुद जो है हड्डियों के हो क्या आप जी? खुद हड्डियों के डॉक्टर होते हुए योग के ऊपर रिसर्च किया, और ये सब के बीच में कहा, इन्होंने पूरा पेपर उसका पब्लिश किया कि भैया प्राणायाम करोगे तो आप ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हो, ये कहने का, सच कहने का साहस भी हमारे को मस्त है। हमारा बड़ा लक्ष्य तो है कि पूर्ण जागृत, पूर्ण प्रकाशित, समर्थ हाथ में तैयार हो। मैं बार बार कहता हूं, योग से बीमारियों को, व्याधियों को मिटाना तो एक बहाना है, व्यक्ति को समाधि के शिखर तक लेकर के जाना, जहां उसके जीवन में पूर्ण जागृति हो, पूर्ण प्रकाश हो। मानव को महामानव बनाना, पुरुष को महापुरुष बनाना, यह है योग का अल्टीमेट गोल। मैंने कहा जिंदगी को जी रहे, और ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं, सामान्य लोगों को नहीं, जिनको ये कहा जाता है भाई इसके पीछे तो लाख, दो लाख, दस लाख, बीस लाख, पचास लाख आदमी है, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उनकी बात कर रहा हूं, और यहां तक कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी, किस गुरु के 10 लाख चेले हैं, इसके 20 लाख चेले हैं, इसके 50 लाख चेले हैं, लेकिन गुरु को भी शायद जीवन का वो प्रकाश नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में अक्सर अपना मकसद क्या समझते हैं, कि मेरे पास कितनी सुविधाएं हैं, कितने संसाधन हैं, कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉस्पेरिटी है, और मैं कितना अर्जित कर सकता हूं, और चाहूं तो कितना खर्च कर सकता हूं। ये तो जिंदगी का मकसद कहां हुआ? मैंने तो देखा, जो मैं बहुत गौर से देखता हूं, मैं कभी भी कोई घूमने के लिए कहीं नहीं जाता हूं, न जंगल में जाता हूं, न कहीं मंदिरों में जाता हूं, न कोई तीर्थ स्थानों पर, जिंदगी में कभी नहीं गए। मैं जब भी किसी आदमी को देखता हूं, प्रकृति को देखता हूं, तो उनको देखता रहता हूं, ये क्या देखो, अब मैं पंछियों को देखो उधर जा रहे, कितने खुश हैं वो, कभी संग्रह नहीं करते, चींटी से लेके हाथी था, और आदमी संग्रह करता रहता है फिर भी दुखी रहता, सब कुछ है फिर भी दुखी रहता है। कल मैं शिविर में बोल रहा था, अतिरिक्त की चाहने, अतिरिक्त को अर्जित करने की चाहने व्यक्ति का ईमान खत्म कर दिया, अतिरिक्त को अर्पित कर नहीं करता, मेरे पास कितना हो जाएगा। मेरे पास लोग आते हैं, बाबा जी आपका इतना बड़ा यश कैसे हो गया, अब तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। मैं कल बच्चों से बात कर रहा था,
मैंने कहा बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो? बोले आपकी तरह पूरे वर्ल्ड में फेमस बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था मैं फेमस हो गया हूँ। बोले भाई आप तो बहुत फेमस हो। मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे फेमस होने के लिए कुछ करना। मैं सच बताता हूँ, हमने जिंदगी में फेमस होने के लिए कभी कुछ नहीं किया। अभी भी हम फेमस होने के लिए कुछ नहीं कहते।